नमस्कार दर्शकों, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जून का महीना कन्या राशि के लिए कैसा जाने वाला है, मतलब जुलाई का महीना कैसा जाएगा, जून का महीना कैसा था, देखेंगे समझेंगे। बने रहिएगा कि जो बताने वाला वो कर ही रहने वाला। और एक बात मैं आपको बिल्कुल स्पष्ट बोल दूं कि जो बता रहा हूं इसका मतलब ये मत समझ लीजिएगा, दुनिया में जितने कन्या राशि कन्या लग्न का जातक है सबके साथ वही होगा जो मैं बताने वाला हूँ। कैसे संभव है वो निर्भर करता कि आपके कुंडली में बाकी ग्रह कैसे हैं, जिसके बारे में चर्चा करेंगे। तो कन्या लग्न और कन्या राशि के लिए ये वीडियो है। तो पास्ट में क्या हुआ, जून के महीने में क्या हुआ उसको देखते हैं, फिर भविष्य की बात करेंगे। पहले पास्ट की चीजों को देखना चाहिए जिससे कि चीजें बिल्कुल क्लियर हो सके। तो बारवा घर अच्छा था जून के महीने में, लग्न भी आपका अच्छा था और दसवां घर भी अच्छा था। तो जून के महीने में बारवा घर अच्छा था, तो बारवा घर अच्छा होने के मतलब जून के महीने में बहुत ज्यादा खर्चा नहीं हुआ। खर्चा बहुत कुछ हो सकता था पर खर्चा हुआ नहीं, आप बच गए। लड़ाई झगड़े भी चीजें संभल गई, लड़ाई झगड़े भी नहीं हुए, खर्चा बच गया, मतलब सेविंग बचा जिस वजह से पैसा वगैरह आपके पास बना रहा। कोई खास दिक्कत नहीं आया जिसमें पैसा खर्च हुआ आपका। लगन मजबूत हुआ तो आपने अपने बलबूते पे अपने मेहनत में आप अपने एनर्जी को आपने बहुत अच्छा महसूस किया होगा। अपने बलबूते से अपने सोच से अपने दिमाग से अपनी बुद्धि से आपने कुछ शुरुआत किया होगा या कुछ अच्छा आप अपने वजह से आपके द्वारा कुछ चीजें अच्छी हुई होंगी। आपकी बुद्धि को आपकी समझदारी की वजह से चीजें सही हुआ होगा कुछ। और कार्य क्षेत्र में अच्छा रहा, नौकरी वोकरी जॉब वगैरह बिजनेस वगैरह अच्छा चला, एक कदम आगे ही बढ़ा, अच्छा था मतलब। ठीक है, ये रहा जून के महीने में क्या अच्छा बुरा क्या हुआ। 11वां घर डिस्टर्ब हुआ था, मतलब आय का थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो गया, आपकी इनकम में दिक्कतें हुई, आय में रुकावटी हुई, ये सब चीजें थोड़ा बहुत देखने को मिला होगा। और 9वां घर और 7वां घर डिस्टर्ब था, मतलब कि भाग्य का घर आपका डिस्टर्ब था। भाग्य का घर डिस्टर्ब होने का मतलब समझ रहे हैं, बहुत मेहनत करना पड़ा आपको, किसी काम में बहुत मेहनत करना पड़ा, किसी चीज के लिए बहुत मेहनत करना पड़ा तब जाके रिजल्ट मिला। आपके मेहनत का हो सकता है कि आपको परिणाम कम मिला हो या ना मिला हो, ये चीजें आपको देखने को मिला होगा। और मैरिज लाइफ, पर्सनल लाइफ, लव लाइफ, लव रिलेशनशिप ये काफी अच्छा नहीं रहा, जून के महीने में काफी डिस्टर्ब रहा। ठीक है, वाइफ लड़ाई हुआ होगा, लव लाइफ डिस्टर्ब रहा होगा, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में डिस्टर्बेंस आई होंगी, ये सब चीज़ें आपने महसूस किया होगा। जुलाई के महीने में क्या होगा, जून का बता दिया, अब जुलाई के महीने में क्या होने वाला है कन्या राशि। 12वां घर तो अच्छा रहेगा जो पहले भी था, तो खर्चे वगैरह का कोई टेंशन नहीं है, खर्चा वगैरह भी आपका बढ़िया है, कोई इसमें खासा दिक्कत नहीं आएगा। और लगन भी मजबूत था, तो जो आप कर रहे थे, जो आप सोच रहे थे, वही कॉन्फिडेंट वही एनर्जी अभी भी आप में है जो पहले था, आलस अब नहीं रहेगा। आप कुछ भी करना चाहिए करिए, आप अपने दमखम से आपकी एनर्जी भरा पड़ा है, वो आपको जुलाई में भी आपको एनर्जी देखने को मिलेगा। अच्छा 7वां अगर अच्छा हुआ है तो लव लाइफ, पर्सनल लाइफ, लव लाइफ ये सब सुधर जाएगा, मैरिज लाइफ अच्छा हो जाएगा, वाइफ मतलब पति पत्नी लाइफ भी अब नहीं होगा, मतलब पर्सनल लाइफ, लव लाइफ, मैरिज लाइफ ये सब चीजें अब आपकी अच्छी हो जाएंगे। ये जुलाई के महीने में बता दिया क्या अच्छा बुरा, बुरा क्या होगा, देखिए भाग्य अभी भी डाउन है, भाग्य अभी भी डाउन है, तो अभी भी बहुत मेहनत करना पड़ेगा तब उसका रिजल्ट मिलेगा, शायद मेहनत का रिजल्ट आपको ना मिला। अभी भी वही है, आय का दिक्कत वही बना हुआ है, आय में कोई खास इंप्रूवमेंट नहीं आएगा, वही आपका डिस्टर्बेंस रहेगा, नौकरी जा सकती है, इसके भी चांसेस हैं आपके। छोटा घर ये है तो कुछ पैसा वगैरह कर्जा वगैरह से बचिएगा, कुछ उलझन में फंस सकते हैं, कुछ पैसे का नुकसान हो सकता है, कुछ धोखाधड़ी हो सकता है, उलझन में बुरे फंस सकते हैं, तो इन सब चीज़ों का ध्यान दीजिएगा, पैसा मत दीजिएगा, इन सब चीज़ों का ध्यान देना होगा आपको। ठीक है, बाकी आपकी कुंडली बाकी ग्रह गोचर कैसे हैं क्या, वो तो कुंडली देखने के बाद ही मालूम चले, व्हाट्सअप कर सकते हैं, कुंडली दिखवाना, कुछ आ दक्षिणा पे कुंडली दिखा सकते हैं। वीडियो अच्छा लाइक कर सब्सक्राइब कर, शेयर जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।